हाय फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम हमारी मशीन ख़राब हो गई, तो ये ड्रायर है और मैं इसको अंदर रख रही हूँ। यहाँ एक स्टोरेज था, छोटा सा है, एक रूम इन्होंने दे रखा है, तो उसमें मैं इसको अब रख रही हूँ। तो खुद ही पुश करके लेके आ रही हूँ उसको। तो हमारा जो ड्रायर है, ये रहा ड्रायर जो मैंने आपको बोला था सही से काम नहीं कर रहा है, इसको मैं रख रही हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो यहाँ पर रख देते हैं। और ये मशीन है जो यहाँ से अभी हटेगी, इसको भी हटाना है। इसमें कपड़े धुलने वाली मशीन में ना पूरा पानी नहीं जाता है, थोड़ा रह जाता है। तो अभी नई मशीन आएगी तो वो इसकी जगह भी रखी जाएगी। तो इसको भी यहाँ से हटाना है, इस वाली मशीन को, और ये ड्रायर वाले मशीन के लाया है, तो ये लगेंगे फिर सारे। बने रहिए। तो अब इसको हटा के यहाँ पर रख दूंगी, और जो मशीन है दूसरी वाली उसको भी हो गया, और मशीन को भी लाके ही रखना है। तो देख, ये पूरा का पूरा खोला था तो ये सही नहीं हुआ, इसकी बेल्ट जो है वो टूट गई है, तो इसकी जगह नया आ रहा है। अब मशीन के साथ करते हैं, मशीन को लेके आते हैं। वॉशिंग मशीन को हटाना है यहाँ से, जैसे कि मैंने बताया ये वॉशिंग मशीन है। ये भी काफी, ये तो उससे हैवी है, जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो ड्रायर से हैवी है, तो इसके मैंने यहाँ से प्लग निकाल दी। यहाँ दो प्लग लगे हुए थे, एक तो ये लगा हुआ था और एक ये लगा हुआ था। अब ये ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी ना आएगी तो चेक तो करना पड़ेगा। और ये यहाँ से ना पानी आता है इसका, यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है इस तरीके से, ये टैप है जो ऊपर से पानी आता है, और ये बेसमेंट में रखी थी। अब देखते हैं नई वाली मशीन कैसे फिट करनी है। तो नई वाली मशीन के साथ तो आएंगे, वो हेल्प कर देंगे, मतलब हेल्पर आएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। इसमें थोड़ी आ रही है दिक्कत है, तो ये बस समझ में नहीं आ रहा क्या क्या चीजें हैं, काफी सारी चीजें हैं। देखो, क्योंकि दूसरे वाली मशीन फिट करनी है ना, तो फिर सही से देखना पड़ेगा। और ये बहुत हैवी है, तो इट्स टू हैवी। देखते हैं कैसे मैं कर पाती हूँ इसको, कैसे नहीं, हैवी तो है, उसके पीछे क्या क्या है। इसको तो मूव करना, ओहो इसमें तो पानी निकल रहा है, ये तो पूरा का पूरा ही, इसको तो निकालना आसान नहीं है फ्रेंड, इसको तो निकालना आसान नहीं है, मैं अकेले कैसे निकालूंगी, क्योंकि इन्होंने ना पूरा का पूरा यहाँ पे ये दे रखे। देखो, पानी का जो टैप है ना वो इसमें फिक्स कर रखी है, तो स्क्रू से या किसी चीज पेचकस से वगैरह से निकलेगा। यहाँ यहाँ इन्होंने दोनों दे रखे हैं। और ये क्या है, ये तो वायर है, ये पानी का है, और ये जो यहाँ पे जा रहा है मेरे रिसोर्स के लिए हो गए। ये इन्होंने पानी यहाँ से, इसका पानी जाता है
और ये अंदर आने का। ओहो ये आसान नहीं है निकालना मशीन। देखती हूँ मैं कैसे खोल पाती हूँ कैसे नहीं। इसको बने रहिए। ये तो चैलेंज बन गया मेरे लिए। अब इस चैलेंज को कैसे कंप्लीट करना है कैसे करना नहीं है इसको तो पूरा खोलना पड़ेगा, ऐसा तो काम नहीं चलेगा। अभी मैं पेचकस भी लाने पड़े। पेचकस ला के देखती हूँ कौन से वाले से प्लास से खुलेगा किस चीज़ से खुलेगा, देखना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं ढूंढते कुछ। तो ये लेके तो आए हैं। जो भी मिला आप देखते हैं खुलता है नहीं खुलता है। चांस हो गया खुले के। ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। ओह माय गॉड कितना डिफिकल्ट काम है। ये तो खुली नहीं रहा मुझसे। ये ओके। तो फ्रेंड्स ये जो यहाँ पर ना टैप लगी है पानी के लिए जो यहाँ पे लगा रखे ध्यान से आपको भी दिखाई दे रहा होगा, एक ये है एक ये नीचे है, तो ये ओपन नहीं हो रही है। तो अभी जो मेरे हस्बैंड है वो मशीन लेने गए हैं तो उन्होंने वेट करने के लिए बोला। अब वो देखेंगे कैसे इसको ओपन करना है। तो जो हेल्पर आएंगे आई होप फुली वो कर दे इसको सही। तो सिर्फ अब वेट करना है और कुछ नहीं करना। लस्सी देखते हैं और बने रही है ऐसी। अभी मैं और भी दिखाऊंगी इसलिए अभी इसकी बैटरी कम हो रही है तो मैं चार्ज कर देती हूँ फिर से मैं वीडियो बनाती हूँ। और ऐसे रही है हमारे साथ। थैंक यू। આને ઉપર લે ને તો એક તો એવી રીતે यहाँ से लेके जा रहे हैं हेवी मशीन तो बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि स्पेस कम है तो डिफिकल्ट हो गई। और धीरे से बोले बाहर चले गए बोले जो हेल्पर है। तो अभी एक और मशीन आएगी तो मैं दिखाती हूँ धीरे से। अभी दूसरी मशीन लेके आ रहे हैं तो बड़ा डिफिकल्ट है। देखो तो ये ना पूरा इसको अच्छे से सही से लेके आएंगे। सीढ़ियों पे बैठ के बनाई ये व्हील वाली ट्रॉली है तो उस पर रख के लेके आ रहे हैं। एक मिनट
ये लफड़े